प्रश्न, दुनिया में सब कुछ माया है तो क्या गुरु और शिष्य का रिश्ता भी माया है या वास्तव है? यदि ये रिश्ता भी माया है तो इस माया को कैसे उत्कृष्ट किया जा सके? अन्नामलाई स्वामी। इस विषय को समझने के लिए भगवान रमण महर्षि हाथी की कहानी बताते थे। एक हाथी सपना देखता था कि एक शेर उसे आक्रमण कर रहा है। इस सपने को देखते ही हाथी की नींद झटके में खुल जाती थी। भगवान रमण महर्षि के हिसाब से वो शेर गुरु होता है, जो कि हमारे माया रूपी स्वप्न से जगाने के लिए झटका देते हैं। जब स्वप्न चलता रहता है उस समय स्वप्न और शेर दोनों वास्तव प्रतीत होता है, लेकिन जब जागते हैं तब पता चलता है कि ना कोई शेर है और ना ही कोई स्वप्न। ज्ञान उदय हो जाने के बाद हम अवेयर हो जाते हैं कि यहाँ कोई गुरु या फिर शिष्य नहीं है, यहाँ सिर्फ आत्मन है। किंतु आत्मज्ञान के पहले ऐसा रवैया नहीं होता। जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं हुआ है, हमें स्वीकार करना चाहिए कि गुरु और शिष्य का रिश्ता वास्तव है, क्योंकि इस रिश्ते से हम अपने अज्ञान और दुनिया के बारे में जो भ्रम है उसे बदल सकते हैं। हम अपने बौद्धिक रूप से जानते हैं कि सब कुछ एक है, फिर भी हमें गुरु का भक्ति और सम्मान करना उचित है, क्योंकि गुरु के आशीर्वाद से ही अज्ञान का अंधकार खत्म हो सकता है। गुरु और उनके द्वारा दिए गए शिक्षाओं को हमें सम्मान देना चाहिए। गुरु और कोई नहीं, हमारे दिव्य आत्मा का ही रूप है। इसलिए जो भी जागना चाहता है उसे गुरु के प्रति प्रेम और विश्वास रखना बहुत जरूरी है।